हमारे साथ एक ऑल इंडिया किसान रैली से जुड़े किसान हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे ये बताइए, आप कहां से आए हैं और क्या मकसद है सेंट्रल गवर्नमेंट से? बिहार राज्य जहानाबाद जिला से आया हूं। अच्छा अच्छा। हम लोगों का किसानों का जो सरकार से मांग है, हाँ, एक लागत के डेढ़ गुना हमें उपज का कीमत दो। अच्छा। सर, किसान के कर्ज माफी करो। अच्छा। और हर 60 वर्ष के किसान के कम से कम 10,000 रुपया पेंशन दो। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP किया था, यानी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। के अंदर क्या होता है कि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए एक रेट मिलता है, क्या आप लोगों को मिला क्या वो रेट? नहीं, आज तक जो बेचे हैं कम रेट में से पैसा तो निकलना किया है। थोड़ा पहले से सुधार हुआ कि नहीं? पहले जो हमने बेचा था, हाँ, जो उन्होंने लिया 15 अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो भी अभी तक रुपया नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। भगवान। अच्छा, वो कर्ज माफी की बात चल रही थी, कर्ज माफी कुछ हुई एक बार भी? नहीं, कुछ नहीं, एक नहीं। कुछ नहीं अभी तक नहीं। तो आप लोग का क्या मकसद है यहाँ पर आने का? रामनगर ग्राउंड और बहुत सारे स्टेट से आप लोग आए हैं। सब स्टेट के किसान इसीलिए आया है कि हम लोग कर्ज माफ करो। अच्छा। उपज के ब्यौरा कीमत दो। अच्छा। 60 साल से जो किसान हो गया है 60 साल के ऊपर, उसको कम से कम 10,000 पेंशन दो। अच्छा अच्छा। सब पेंशन दो तो उसको भी दो, और तूफान के निदान करो जिससे हम लोग को फसल मारी जाती है। जल का कोई व्यवस्था नहीं है, इसे मौजूद व्यवस्था करो। बिजली जो हम लोग को बहुत महंगी पड़ रही है किसानों को, उसमें या तो रियायत करो और माफ कर जाओ, अच्छा है, नहीं तो कुछ रियायत उसमें करो। तो ये सब डिमांड है आपके, है ना? तो अगर आपकी डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? इसके बाद हम इससे भी बेहद आंदोलन छेड़ेंगे। अच्छा, ये आंदोलन जारी रहेगा, इसका मतलब है हम लोग आंदोलन तभी छोड़ेंगे जब हम लोग को मांगे पूरी होगी। अच्छा। तब आंदोलन छोड़ेंगे, अपना जो कुर्बानी देना होगा कुर्बानी देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का।